हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिल्ड करने वाले हैं इजी आयरन फार्म, बहुत ही एफिशिएंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 1.17.30 के ऊपर वाले वर्सन्स के लिए मस्त काम करेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको 5x5 एक होल डिक करना है, जैसे वीडियो में वैसा देख के कर लेना अगर समझ में नहीं आया तो। ये मैं वीडियो रात के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वॉइस भी लो आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। फिर आपको 7 ब्लॉक्स डीप होल करना है। सेवन ब्लॉक्स डीप को पूरा गड्ढा होल करने के बाद आपको एक और ब्लॉक साइड से डिक करना है, ऐसे सामने। उसके बाद आपको 20 बेड्स लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाना, वरना आपका फार्म काम नहीं करेगा। वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने 20 बेड लगाया, ऐसे ही आपको भी 20 बेड लगाना है। फिर आपको बीच में 2 और बेड लगाने लगाने के बाद आपको बीच में 2 कोबलस्टोन रखना है, जो भी स्टोन हो, बस एक सॉलिड ब्लॉक होना चाहिए, वुड नहीं चलेगा। आपको ऐसे स्टोन पूरा कवर करना है बेड को। रिस्पॉन पॉइंट सेट, यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट। कवर करने के बाद आपको ऊपर आना है। ऊपर आके इधर सामने के साइड आपको 3 ब्लॉक और ऊपर 1 ब्लॉक डिक करना है, ऐसे ही आपको इधर 6 ब्लॉक करना है। और इसके ओपोनेंट मतलब ऑपोजिट में उससे 3 है और इस तरफ 3, और उस सामने 6 है, पीछे भी 6 होना चाहिए, ऐसे पैटर्न में आपको होल्स करना है। उसके बाद आपको फ्लेचिंग टेबल लेना है, फ्लेचिंग टेबल को ऐसे होल्स में डालना है, 20 फ्लेचिंग टेबल डालना है आपको। फ्लेचिंग टेबल लगाने के बाद आपको 20 विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगा, आप विलेजर्स लेके आना है। आप दो तरफ से कर सकते हो, एक आप इसके अंदर ला के उनको ब्रीड कर सकते हो, या बाहर से ब्रीड करके उनको अंदर ला सकते हो। और इसमें ग्रीन कोटेड और जो विलेजर किड होते हैं ना, वो दोनों के कुछ काम का नहीं है, वो लोग अगर उनके इसके अंदर है तो काम नहीं करेगा। 20 विलेजर्स चाहिए एग्जैक्ट। उसके बाद आपको पूरा कवर करना है। ये करने के बाद पहला कैट स्पॉन हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको होने देते हैं, मतलब हमारा फार्म काम कर रहा है। उसके बाद आपको इधर एक और ब्लॉक आगे जाना है, जैसे वीडियो में वैसा एक और ब्लॉक। छह डर्ट ब्लॉक ही छोड़ रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप डर्ट ब्लॉक को हटा के दूसरे ब्लॉक्स बैठा सकते डाल सकते हो नीचे वाले इसमें। और ऐसा करने के बाद आपको सामने की दो तरफ इधर ब्लॉक रखना है, उसके और उसके ऊपर पानी डालना है, एक एक बकेट पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको उसको ब्लॉक्स तोड़ देना, मैं भूल गया इधर तोड़ना। फिर आपको इधर पानी को रोक देना है ऐसे ब्लॉक्स लगा के। फिर आपको सामने की तरफ जो ब्लॉक पानी नहीं है ना, उसके तरफ सामने की तरफ आपको 3 ब्लॉक पिक करना है। हमारा पहला आयरन रूम स्पॉन हो चुका है, मतलब अपना फार्म काम कर रहा है। तो ऐसे टिक करना है, इधर अपना कलेक्शन चैम्बर बनने वाला है। इधर हमने 2 ब्लॉक टिक किया, फिर आप इधर डबल चेस्ट बना लिया। आपको अभी चेस्ट के लिए ऑपर लगाना है, पहले क्राउच करो, क्राउच करने के बाद आप चेस्ट की तरफ देख के ऑपर को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपको इधर एक स्टोन का वो रखना है, फिर आपको एक स्लैब रखना है। ये कलर डाल दिया, स्टोन को अटैच होना चाहिए स्लैब। ये रात के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए सो रहा है, कोई बात नहीं। स्लैब लगाना है इसे स्टोन के सर पे। फिर आपको स्लैब के ऊपर एक साइन बोर्ड और उसके साइड में दो साइड में एक साइन बोर्ड लगाना है। अभी एक ब्लॉक लगाना है इधर सामने, उसके ऊपर आप लगाएंगे एक गेट, गेट को ओपन करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको बाहर जाना है, एक बकेट लावा लेना है, लावा लेके आपको क्रॉच करके गेट के ऊपर लावा डाल देना है। डालने के बाद आपको सारे जो साइड से ब्लॉक है ना, उसको तोड़ देना है। अगर आपका लावा बाहर जा रहा है तो आपने कुछ गलत कर दिया, उसको तोड़ के फिर से बनाओ। देख सकते हो दो आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है।
मतलब हमारा फार्म सही से काम कर रहा है। और जो इधर अब बाहर आपका गोलम स्पॉन होते रहते हैं, इसलिए आपको स्लैब या लीव्स लगाना है उसके बाहर, ताकि अपना गोलम स्पॉन ना हो जाए वो फार्म के बाहर। तो ये पूरा मैं एक बार स्लैब से कवर कर सकता हूँ। आप इसको लीव्स भी यूज़ कर सकते हो। ये जो अभी बाहर घूमने वाला गोलेम है ना, उसको पहले मैं अंदर ला के इसको भी मरवा देता हूँ। आप ऐसे करो, बाहर वाले को एक अंदर ला के आप खुद ही मार दो उसको। फिर मैं अभी आपको टाइम लग दिखाता हूँ कि कितने मिनट में कितने स्पॉन होते हैं। ये मैं अभी टाइम लग करके छोड़ देता हूँ। मैं 15-20 मिनट के लिए एफके गया था। अभी देखते हैं कितना आयरन कलेक्ट हो चुका है। देख सकते हो पूरे 3 स्टैक ऑफ आयरन कलेक्ट हो चुका है, मतलब बहुत एक्सीलेंट फार्म है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट, हैप्पी नाइट लाइफ।